इस वक्त दुखद समाचार जो है जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे से निकल के सामने आ रहा है कि एक यात्री बस जो है वो चौकी चौरा के पास उसका एक्सीडेंट हुआ है और बताया जा रहा है कि इसमें काफी सारे यात्री जो हैं वो इंजर्ड हैं और अभी वहां पे जो है ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और आपको बता दें कि स्थानीय लोग इस वक्त वहां पे काफी सारे लोग जुट चुके हैं उन यात्रियों को निकालने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काफी सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एक यात्री बस जो कि यूपी नंबर की चौकी चौरा के पास जाके जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि ये काफी भयानक एक्सीडेंट है और काफी दूर जाके ये गाड़ी गिरी है। और वहां पे जो लोग मौजूद है, जब हमारी बात उनसे हुई तो उनका कहना ये था कि कुछ लोग जो हैं इस बस के नीचे भी दबे हुए हैं, उसके लिए भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे दर्दनाक खबर मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं कि एक यात्री बस जो है वो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे चौकी चौरा आप जानते ही हैं कि रास्ते में पड़ता है। जब अखनूर से आप टांडा की ओर जाते हैं और टांडा से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की ओर एक मोड़ आता है, वहां से गाड़ी ये काफी नीचे जा गिरी है, जिसके बाद वहां पे जो पहले तो लोकल लोगों द्वारा जो है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंची, वहां के SDPO, SHO, सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार, SDM ये सब वहां पे मौके पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि एक दर्दनाक मैं कहूंगा एक्सीडेंट इस वक्त आज सुबह का जो है और बताया ये जा रहा है कि काफी सारे लोग इसमें इंजर्ड हैं। अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं, लेकिन अखनूर के हॉस्पिटल में उनको जो है शिफ्ट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो भी रास्ते में अखनूर पे लोग हैं, जो भी गाड़ियां चला रहे हैं, वह साइड रहे क्योंकि एम्बुलेंसेज आ रही हैं और गाड़ियां कुछ आ रही हैं जो कि उन यात्रियों को लेके जा रही है। और आप जानते हैं किस तरीके से यात्री जो है बेचारे बाहर से आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। अभी ये बताना जो है मेरे लिए सही नहीं होगा कि कितनी वहां पे कैजुअल्टीज हुई हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि काफी बड़ा नुकसान जो है इस एक्सीडेंट में हुआ है। जो भी खबर होगी मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। री टाइम्स के लिए प्रमोद।